Hello students, in your Gulmohar class 8 book there is a poem in page number 36. Its heading is Unfolding, but written by Nayoshi Koriyama. Who was Nayoshi Koriyama? He is a Japanese poet who studied English literature in the United States and returned to teach in Japan. He began to write poems while he was away from home and went on to publish 9 collections in English besides 3 translated from Japanese. He was recently published a collection entirely in Japanese. This poem compares the flowering of a water lily to the process of understanding a poem. It is a simple poem but rich in meaning. Here, the poet is comparing water lily to a poem. I will read it for you. One is amazed by a water lily unfolding with each passing day, taking on a richer color and new dimensions. One is not amazed at a first glance by a poem which is as tight closed as a tiny bud. Yet one is surprised to see the poem gradually unfolding, revealing its rich inner self as one reads it again and over again. आपको फर्स्ट पैराग्राफ में वन इज अमेज्ड बाय ए वाटर लिली, आपको अपना इमेजिनेशन में एक वाटर लिली का पिक्चर तो आना चाहिए. वाटर लिली क्या होता है? एक वाटर प्लांट है, जस्ट लाइक ए लोटस. लोटस जैसे दूसरा एक ऐसा प्लांट है. यू कैन सी इट ऑन द सरफेस ऑफ ए वाटर. नहीं है तो कोई भी बड, बड मतलब कली होता है, कोई भी पौधे का जैसे मतलब है कि कली है, आपको अपने इमेजिनेशन में वो ले सकता है. तो आपको पता है कि पहले बहुत छोटा आएगा, डे बाई डे इट ग्रोज, और दिन प्रतिदिन वो बड़ा बड़ा हो जाते हैं. आखिर में क्या है, फूल होने के पहले आपको पता है एक पेटल, द सेकेंड, थर्ड करके उसको बहुत टाइम लगता है कि वो फुल साइज में निकलने के लिए. तो जब वो निकलेगा उसका कलर, उसका साइज सब कुछ बदल जाते हैं. वो लिखा है वन इज अमेज्ड बाय अ वाटर लिली अनफोल्डिंग. फोल्डिंग का मतलब क्या है? बंद है. अनफोल्डिंग मतलब ओपन. विद ईच पासिंग डे, एक एक दिन में आपको उसका फुल साइज में मिलने के लिए कई दिन लगेगा. टेकिंग ऑन ए रिचर कलर, आखिरी में उसका कलर भी बदल जाते हैं. एंड न्यू डायमेंशन मतलब न्यू साइज में आ जाते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा है कि द फर्स्ट वर्ड्स इज एन इमेज ऑफ द ब्यूटी ऑफ ए ब्लूमिंग वाटर लिली, बट इट्स रिच कलर एंड ग्रेसफुल हाइट आर लेफ्ट टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर हु सीज द फ्लावर थ्रू हिज माइंड साइड. आपको ऐसा देखना है, मन में सोचना है कैसा है. कोई भी फूल का फूल होने के पहले उसका कली होते हैं, बहुत छोटा निकलेगा और डे बाय डे बड़ा बड़ा होते, लास्ट में क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं. जब ओपन हो जाएगा तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, हाँ हाँ ये कली के अंदर इतना सुंदर एक कलरफुल फूल राखी था. वो जब वो पूरा खुल जाते हैं, ब्लूम हो जाते हैं, तो उसका साइज और शेप क्या कलर सब कुछ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. और उसके बाद सेकंड में लिखा है कि वन इज नॉट अमेज्ड एट ए फर्स्ट ग्लैंस बाय ए पोयम विच इज आस टाइट क्लोज्ड एज अ टाइनी बड. इधर टाइनी बड को, कली को बहुत टाइनी, उसका अंदर का पेट्रो वगैरह बहुत टाइटली उसके अंदर क्या है, दबा के रखा है. और डे बाई डे मतलब एक एक दिन के बाद सेवरल डेज उसको चाहिए पूरा खुलने के लिए. वैसे है एक पोएम भी, कभी भी आप एक पोएम पढ़ते हैं तो आपको पहले उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा. कली में से फूल कैसे पूरा हो जाते हैं, उसका पूरा रंग बदल जाते हैं, उसका अंदर का रंग और उसका साइज बदल जाते हैं. वैसे एक बार आप पढ़ेगा तो आपको पोएम का मीनिंग समझ में नहीं आएगा. पोएट आपको क्या समझाने के लिए कोशिश करते हैं वो आपको समझ में आने के लिए कई बार वो पोएम को आपको पढ़ने पड़ेगा. तो सेकंड स्टैंडसा में ये लिखा है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट. क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्या एक टाइनी बड को एक पोएम के साथ कंपेयर कर रहे हैं? द सेकंड वर्स स्टेट्स ए कॉन्ट्रास्ट एंड ए कंपेरिजन. ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अवर रेस्पॉन्स टू एन अनफोल्डिंग लिली एंड अवर रेस्पॉन्स टू ए पोएम, दो बोथ ऑफ देम आर सिमिलर इन द वे दे ट्रेजर देयर सेल्फ वर्थ. एक कली को भी उसका वर्थ होता है, मूल्य होता है, कीमत होता है, वैसे है एक पोएम को भी. हम कैसे उसको डील करेगा, उसके साथ कैसे करेगा? तो हमारे पास इतना पेशेंस है वो कली को देखने के लिए डे बाई डे, एक एक दिन में बहुत दिन उसको लगेगा फूल होने के लिए. तो एक एक दिन उसके पास जाके उसका कैसे चेंज होते हैं, आज कैसे है, कल कैसा है देखते हैं. वैसे एक पोएम को भी अपन को पढ़ना है. बार बार पढ़ने से उसका अंदर का मीनिंग, इनर मीनिंग,
वो पॉट क्या हमको समझाने के लिए चाहते हैं वो हमको समझ में आएगा. वी आर अमेज्ड इज कॉन्ट्रास्टेड विद वी आर नॉट अमेज्ड व्हाइल द पॉम इज कंपेयर टू लिली थ्रू ए सिमिली. ए पॉम विच इज आस टाइटली क्लोज्ड एज ए टाइनी बड. तो पॉम के लिए भी लिखा है क्लोज्ड टाइटली क्लोज्ड बड के समान है. जब तक हम लोग उसको खोलेगा तो उसका ब्यूटी तो नहीं आएगा. हमको क्या करना चाहिए, पेशेंटली वेट करने पड़ेगा. कई दिन सेवरल डेज हमको वेट करने पड़ेगा, तब वो उसका अंदर का फूल का अंदर का रंग हमको दिखाएंगे और उसका साइज दिखाएंगे और शेप दिखाएंगे. वैसे पोम को भी एक बार पढ़ने से उसका पूरा मीनिंग हमारे पास नहीं आएगा. हमको क्या करना है, डेली 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 हमको उसको पढ़ना है. बार बार पढ़ने से हमको उसका अंदर का मीनिंग, वो पोएट क्या हमको कन्वे करने के लिए, क्या समझाने के लिए चाहते हैं वो हमारे पास आएगा. थर्ड पैराग्राफ में एट वन इज सरप्राइज टू सी द पोम ग्रेजुअली अनफोल्डिंग. जैसे पोएम बड में ये फूल कैसे हमारे सामने उसका पूरा रंग दिखाया, पूरा साइज दिखाया, पूरा शेप दिखाया, वैसे बार बार रीडिंग करने से पोम भी हमारे सामने उसका ब्यूटी को, इनर मीनिंग को हमारे सामने निकालेंगे, नहीं है तो समझाएंगे, नहीं है तो ओपन करेगा. इट वन इज सरप्राइज टू सी द पोम ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, अनफोल्ड करते हैं. फोल्डिंग का मतलब बंद है, अनफोल्ड मतलब ओपन. रिवीलिंग वो क्या प्रकट करेगा हमारे सामने, इट्स रिच इनर सेल्फ. एक एक पोम को उसका अंदर एक मीनिंग होता है, कुछ समझाने के लिए बनाया हुआ है, तो उसका अंदर का मीनिंग, इनर मीनिंग, पोएट हमको क्या समझाने चाहते हैं वो हमारे सामने दिखाएंगे. आस कब, आस वन रीड्स इट अगेन एंड ओवर अगेन, बार बार हम पढ़ने से हमको इनर मीनिंग समझ में आएगा. The third verse focuses on the reader's ability to draw out the meaning embedded in a poem. और while the poem may be similar to a lily, इधर तो poem को कौन सा चीज़ से compare किया है, water lily से. और our response to each is dissimilar. While we are passive spectators waiting patiently for the lily to display its beauty, we are active participants in unraveling the beauty of a poem. Every time we read a poem, we interact with the stylistic devices the poet has used to provide it with a deeper levels of meaning. Reading a poem becomes an act of interpretation to understand the various shades of meaning the poem provides. A poem lends itself to a deeper appreciation of its meaning every time we read it to explore its inner worth. कितना बार हम रीड करेगा उतना हमको समझ में आएगा. एक बार रीड करके छोड़ेगा तो कुछ भी नहीं है, एक कली को देख के ऐसे मतलब इग्नोर करके चला गया. वैसे अपन के पास पेशेंस होना चाहिए, रोज जाके फूल को देखना, आखिरी वो पूरा ब्लूम हो जाएगा. तब तक वैसे है पोम भी, उसका अंदर का मीनिंग जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हमको उसको बार बार पढ़ना है. By extension, one of the meaning of this poem could include our ability to enjoy anything or anyone in as much as we are willing to interact with them at a deeper level. Everyone and everything could be a poem. So, yeh hai summary of this poem. Humko idhar ek poem ko, poem ko, कविता को एक वाटर लिली के साथ क्या किया है, कॉन्ट्रास्ट में ये तो कंपेयर किया है. तो ये कली में से फूल कैसे निकलेगा, उसका पूरा शेप साइज और कलर में, वैसे पोम भी पहला कली देखेगा तो कुछ भी उसका अंदर का कलर भी हमको पता नहीं चलेगा, शेप भी पता नहीं चलेगा, साइज भी पता नहीं चलेगा, वैसे है पोम. और आप लोग रोज उसको पढ़ेगा तो ये एक दिन ये फूल पूरा साइज में निकलेगा, कलर में निकलेगा, वैसे उसका इतना मीनिंग हमको समझ में आएगा. ओके, थैंक यू.